गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरी वन. दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह. आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ डेली आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स एनालिसिस ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी. अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल द कंसेप्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है. बिफोर प्रोसीडिंग अहेड लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टूडेज सेशन. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन स्टूडेंट्स. This is Dr. Anurag, a passionate UPSC mentor and expert in the field. And for the past one decade almost, UPSC may have appeared twice for the personality test in my four attempts and four mains. I have also worked as assistant commissioner sales tax in Uttar Pradesh State Services through UPPCS exam for 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. Telegram channel unacademy underscore Anurag Singh. जुड़ जाइएगा इस session के free PDF के लिए, further updates के लिए. मैं एडवाइस करूंगा डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सब्सक्राइब इधर अपॉन द प्लस और अपॉन द आइकनिक. प्लस पे आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट का अनलिमिटेड एक्सेस, आइकनिक में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप, डेली डाउट क्लैरिफिकेशन, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. और ये देखिए प्लस और आइकनिक के 1, 2, 3 ईयर प्लान. यूज रेफरल कोड अनुराग टू गेट अ 10% ऑफ ऑन दिस प्लान एंड ऑल्सो गेट माई नोट्स, बुकलेट्स एंड PDF फ्री ऑफ कॉस्ट. रेफरल कोड अनुराग याद रखिए अप्लाई करने के लिए. And you will also get attached in my WhatsApp group for the purpose of note sharing, apart from getting a 10% discount. And you can see this some offers running from Unacademy. Loans at 0% interest rate for the subscription. Second point, 20 books created by best UPSC experts worth rupees 10,000 rupees. Aapke ghar pe chala jayega free with 1 year subscription. And yes, एक्स्ट्रा स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है, 10% एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है 13 से 17 सितंबर तक. द बेस्ट टाइम टू टेक द सब्सक्रिप्शन इज नाउ टिल 17 सितंबर. 20% लगभग डिस्काउंट मिल रहा है, 10% विद माय एजुकेटर कोड अनुराग एंड 10% एक्स्ट्रा. सो दिस इज दिस आर द ऑफर्स रनिंग. गो फॉर द सब्सक्रिप्शन नाउ इफ यू वॉन्ट टू दिस टेक द सब्सक्रिप्शन. एंड दिस इज माई प्रोफाइल लिंक अनुराग IMS इज द सर्च लिंक अपॉन द अनअकैडमी. फॉलो कीजिए मुझे बेस्ट स्पेशल क्लासेस के लिए. क्या लैग कर रहा है, क्या बता दीजिए स्टूडेंट्स. ओके ठीक है, बस 2 मिनट रुकिए, ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए. तो 15 सितंबर के करंट अफेयर्स चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या है करंट अफेयर्स एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स में. पहला आर्टिकल द हिंदू का आज का. देखिए कल के 2 आर्टिकल्स द हिंदू के मैंने आज कवर नहीं किए हैं. मैंने कल कहा था दैट आई विल कवर इट टुडे, आई विल कवर इट टुमारो, नो नीड टू वरी. ओके वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कवर करूंगा. आइए देखते हैं ये दिस पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक. ये देखिए द 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल प्रोवाइड सब्सटेंस टू एन ऑलरेडी मीनिंगफुल पार्टनरशिप. आज 4 आर्टिकल्स देखने वाले हैं, 3 आर्टिकल्स आप लोग खुद ही देख सकते हैं, मैं बस एडवाइस करूंगा कैसे देखना है. इंडो पैसिफिक बेल्ट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के ऊपर क्या अभी 2+2 डायलॉग हुआ था, मुझे चैट बॉक्स में बताइए. आई होप यू आर गेटिंग द डिस्कशन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गॉन इन फॉर इंक्रीजिंग देयर इंप्रूविंग द रिलेशंस. 2+2 डायलॉग समिट, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, अभी मीटिंग हुआ, डिस्कशंस हुए अफगानिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर, क्वाड के ऊपर, इंडिया पैसिफिक के ऊपर. ठीक है, सो दिस ये डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं, अब मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ. ठीक है, इसमें वही दिया हुआ है कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है, कहाँ कहाँ चैलेंजेस हैं, दैट्स इट. ठीक है, इसमें तो आप तेज हो गए हैं बहुत ज्यादा. देखिए बोथ कंट्रीज हैव एन एंड्योरिंग इंटरेस्ट इन द फ्री ओपन इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक. क्या बात है, देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट है, फ्री इंडो पैसिफिक ओपन. देखिए ये प्रोस्पेक्ट्स हैं रिश्ते बढ़ाने के, ये देखिए. इसके अलावा देखिए बोथ हैव कॉमन सिक्योरिटी चैलेंजेस. देखिए प्रोस्पेक्ट्स बताया जा रहा है यहाँ पे, प्रोस्पेक्ट्स कहाँ कहाँ रिश्ते सुधार सकते हैं, ये देखिए. Also regional security architecture, ये देखिए. Both countries also want to deepen up the this security alliance in the Quad, ये देखिए. Australia, India, Japan, US and Malabar exercise, ये देखिए. ये सब तो आप लोग खुद ही तेज हैं भाई, आप पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं दैट इंडिया ऑस्ट्रेलिया के प्रॉस्पेक्ट्स किस फील्ड में इंप्रूव हो सकते हैं. ऑल्सो इंडिया इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2021, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंडिया की तरफ से कौन कौन से स्टेल्थ फ्रिगेट्स ने पार्टिसिपेट किया, दैट्स इट. उसके अलावा ट्रेडिंग देखिए, ट्रेडिंग इज अनदर एरिया जहां रिश्ते सुधर रहे हैं. इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव सीन रिमार्केबल ग्रोथ इन ट्रेड.
Two-way trade between them was valued at $24 billion in 2020. ठीक है, एंड दिस इंडियन इकोनॉमी के बारे में कहा है ऑस्ट्रेलिया ने, टेक्टोनिक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंडियन इकोनॉमी नेसेसरी है वर्ल्ड को, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए हेडिंग, भाई हेडिंग बहुत इजी है, पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक, दोस्ती के बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, कहा गया अपने दोस्त के बारे में सारी अच्छी चीजें लिख दीजिए, यहाँ लिख दिया गया, और दोस्ती कहाँ कहाँ आगे बढ़ सकती है, बस इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस आर इम्प्रूविंग अलॉट। ठीक है, और ये देखिए स्टूडेंट्स, लेकिन लेकिन दिक्कतें तो हैं थोड़ी सी, चैलेंजेस हल्के से होते हैं चैलेंजेस, बट डिस्पाइट, देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट है, डिस्पाइट द ग्रोथ इन ट्रेड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया नीड टू रिजॉल्व ओल्ड इश्यूज दैट पोज अ बैरियर टू डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया की तरफ से हाई टैरिफ डेयरी प्रोडक्ट्स पे। डू यू एग्री, क्या डेयरी प्रोडक्ट्स एक बड़ा कंसर्निंग एरिया था जिसके कारण इंडिया ने आरसीईपी से विड्रॉ किया? मुझे चैट बॉक्स में बताइए, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बताइए। एग्री कर रहे हैं बच्चा लोग, टेल मी, क्या इंडिया की तरफ से डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे हाई टैरिफ अपने डोमेस्टिक, भाई डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को सेव करने के लिए करना पड़ेगा? दिस इज वन चैलेंज जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। टेक्टोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बढ़िया शब्द है, टेक्टोनिक, मैसिव इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, मैसिव ओवरहॉल हो रहा है पूरी इकोनॉमी का, वर्ल्ड का, और उसमें इंडिया की जरूरत है। गेटिंग द पॉइंट, ये देखिए हेडिंग, देखिए मैं फिर से मैं हेडिंग बता रहा हूं, पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक, अब कैसा हेडिंग चाहिए बताइए। ठीक है, द 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल प्रोवाइड सब्सटेंस टू एन ऑलरेडी मीनिंगफुल पार्टनरशिप। देखिए यहां सब हेडिंग दिया हुआ है, बहुत ईजी है ये, आप इजिली टैकल कर लोगे, मुझे कुछ नहीं बताना है इसमें, सब कुछ पुरानी बातें रिपीट की गई हैं। दोज हु आर फॉलोइंग मी फॉर द पास्ट 6 months एटलीस्ट दे नो दैट दीज आर द रिपीटेड टॉपिक्स एंड यू कैन सी इट हियर। एंड किया, देखिए एंड किया कैसे, देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया फॉर्जिंग अ डीप पार्टनरशिप, एंड में मैंने बोल्ड कर दिया, देखिए ये पॉइंट्स को, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस हैव डीपेंड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ओइंग टू अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ड्रिवन बाय कॉमन वैल्यू सिस्टम। कॉमन वैल्यू सिस्टम, क्या बढ़िया शब्द, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, इंडिया यूएस में, इंडिया रशिया में, इंडिया यूके में, सब जगह डाल दीजिए इस शब्द को, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। बोथ आर वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज, देखिए वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज, बहुत अच्छा पॉइंट। केवल चाइना से रिश्ते, जहां चाइना की बात हो रही है और पाकिस्तान की, उसको साइड कर दीजिए, उसमें वाइब्रेंट डेमोक्रेसी वर्ड यूज इट एवरीवेयर अपार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, इंडिया रशिया रिलेशन, इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया ब्राजील रिलेशन, इंडिया साउथ अफ्रीका रिलेशन, इंडिया अफ्रीका रिलेशन, इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशन, वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज, दैट्स इट, विच हैव रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ ऑल द नेशंस। ये देखिए तो यही लिखा हुआ है, दैट ये अच्छे शब्द हैं, कॉमन वैल्यू सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज, बिलीफ इन इंटरनेशनल लॉ, बिलीफ इन इक्वालिटी ऑफ ऑल नेशंस, दैट्स इट। एंड द क्वाड हैज गेन्ड मोमेंटम इन द रीसेंट मंथ्स, द टाइम इज राइट फॉर दीज कंट्रीज टू डिलीबरेट ऑन क्वाड प्लस फ्रेमवर्क। क्वाड प्लस फ्रेमवर्क, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप बोलेगा सर क्या बात है सर, ये तो सब बहुत इजी हो गया, बहुत इजी है देखिए, और मैंने अटैच कर दिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया। आई डोंट थिंक यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए वही रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, वही बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में बोला जाता है, फॉलो करने में परेशानी होती है, इंडिया फॉलो कर लेता है, बाकी देश फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चैलेंजेस इन द रिलेशनशिप, ये देखिए चैलेंजेस में एक डेयरी प्रोडक्ट्स वाला चैलेंज देखा हम लोगों ने। ठीक है, ठीक है, गेट द पॉइंट, और बाकी चैलेंजेस भी मैरीटाइम चैलेंजेस हैं, जैसे रेशियल अटैक्स इंडियंस पे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, टेररिज्म इज अ बिग चैलेंज फॉर बोथ द कंट्रीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज अ बिग चैलेंज। ठीक है, यानी देखिए एफर्ट्स टेकन, एफर्ट्स में ऑस इंडेक्स मैरिटाइम एक्सरसाइज, अब तो मालाबार हो गया। ठीक है, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, स्पेस कोऑपरेशन, क्या बात है, दोस्ती आगे बढ़ती चली जा रही है, क्वाड फॉर्मेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑपरेशन, और इसके साथ में 2+2 समिट, बस ऐड कर दीजिएगा जो इस बार हुआ है, सारी चीज़ें मीन्स एक जगह पर पुटअप किया हुआ। अब इसको पॉइंट वाइज नोट करना है। ठीक है, ये देखिए करंट अफेयर्स, देखिए क्या क्या करंट अफेयर्स, देखिए फर्स्ट 2+2 डायलॉग्स, ये देखिए
बस सब कुछ अच्छा चल रहा है इनफैक्ट। और वे फॉरवर्ड देखिए कहाँ कहाँ पे दोस्ती हो सकती है। अंटार्कटिका रिसर्च देखिए बहुत अच्छा, देखिए प्रोस्पेक्ट्स यही है, अंटार्कटिका रिसर्च, रिन्यूएबल एनर्जी, आदिवासी कल्चर एंड अबॉरिजिनल कल्चर इन ऑस्ट्रेलिया, उसका रिसर्च, एंगेजमेंट टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक, ये देखिए स्मार्ट सिटीज मिशन, कोरल रीफ कंजर्वेशन, क्या बात है, स्पेस कोऑपरेशन, टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, अब तो COVID-19 रिसर्च में भी कोऑपरेशन, ये देखिए। आई सपोज स्क्रीन तो दिख रहा है ना मेरे हिसाब से, टेल मी स्टूडेंट्स, सब अच्छी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अल्टीमेटली एक सवाल तो बनता है, देखिए, और ये देखिए, एग्जामिन द प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप, वेरी इजी क्वेश्चन, प्रोस्पेक्ट्स संभावनाएं, अच्छी चीजें, चैलेंजेस प्रॉब्लम्स, यू कैन कोट इट, ठीक है, गॉट इट, नाउ यू आर एक्सपर्ट, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग माई करंट अफेयर्स, यू आर एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस एटलीस्ट, ठीक है, आपको उसका टैकल करने आ जाएगा क्वेश्चन, प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स बहुत जगह कॉमन है, चैलेंजेस बहुत जगह कॉमन है, दैट्स इट, एग्री कर रहे हैं, टेल मी क्या ये टैकल कर लीजिएगा क्वेश्चन, पॉइंट वाइज देखना है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप, उसमें प्रोस्पेक्ट संभावनाएं, चैलेंजेस, 10 10 पॉइंट सफिशियंट है, क्लियर है, टेल मी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ चले हम लोग, ये देखिए, बोथ आर इंपॉर्टेंट पिलर्स फॉर मेंटेनिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड रूल बेस्ड ऑर्डर, फोकस मस्ट बी ऑन डायस्पोरा, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, देखिए 3D, देखिए डायस्पोरा, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, नेक्स्ट एनवायरमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एनर्जी एंड एग्री प्रोडक्ट्स, ये देखिए, दैट्स इट, इट्स वेरी इजी टॉपिक, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस, क्या उनमें कॉमन इंटरेस्ट एरियाज हैं जिसपे दोस्ती होगी और क्या चैलेंजेस हैं, दैट्स इट, यस यस, गुड मॉर्निंग, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक बहुत ईजी है, बस लास्ट आज का आर्टिकल थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है, आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, पावरिंग अहेड इन द फ्यूचर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट प्रमोट करने के लिए, जैसे ओला ने अभी शुरू किया ना कंसेप्ट, कि इंडिया में डिमांड ज़्यादा नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा नहीं है, उसके लिए एक छोटा सा आर्टिकल आया था हिंदू में, हाउ कैन वी प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इन इंडिया, ओके, तो आप बोलिएगा सर ठीक है, इसका क्या क्वेश्चन कुछ फ्रेम किया है आपने, देखिए, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर इंडिया एज अ होल, क्या एडवांटेजेस हैं मुझे बताइए, टेल मी स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस में क्या मैक्रो एडवांटेजेस हैं पूरे कंट्री के लिए, एडवांटेजेस कंट्री के लिए नेशनल लेवल पर, एंड क्या इंडिविजुअल लेवल पर भी एडवांटेजेस हैं, इंडिविजुअल ये देखिए, माइक्रो लेवल पर एडवांटेजेस, एग्री कर रहे हैं बच्चा लोग, टेल मी एडवांटेजेस, तो ये तो आप सब, ये एडवांटेजेस तो बहुत इजी है, इंडिया को क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज में जो कमिटमेंट्स हैं वो टैकल करने में हेल्प मिलेगी, दे आर नॉन पॉल्यूटिंग, ठीक है, दिस थर्ड पॉइंट, इंडिया माइट बिकम द हब ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन फ्यूचर, ठीक है, एंड इंडिविजुअल के लिए फ्यूल सेविंग, एग्री कर रहे हैं, टेल मी फायदे तो हैं, इंडिविजुअल में फ्यूल सेविंग हो जाएगा, बहुत कुछ पैसे बचेंगे, यस, कहा जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी फार, मीन्स जो मेंटेनेंस में जो खर्च लग रहा था पेट्रोल और डीजल की व्हीकल्स में उसे कम लगेगा, तो इसी के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ये आर्टिकल आया, आइए देखते हैं आर्टिकल पढ़ते हैं, पावरिंग अहेड इन द फ्यूचर, हाउ कैन वी प्रोमोट, ठीक है, हाउ कैन वी प्रोमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री इन द कंट्री, दो स्टेप्स दिया हुआ है जो वर्ल्ड में फॉलो किए गए इंडिया इंप्लीमेंट कर सकता है, लिखा हुआ है दैट अभी भी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव नॉट कॉट द फैंसी ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, नॉट कॉट द फैंसी ऑफ द पीपल ऑल्सो, अब ध्यान दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नाम सुनने में आ रहा है लेकिन अब जाकर गाड़ी देखिए अगर सड़क पे तो कहा जा रहा है अरे ये तो वही गाड़ियां चल रही है, वही गाड़ियां चलेंगी अगर कुछ कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिए गए तो, एग्री कर रहे हैं, कंक्रीट स्टेप्स लेने जरूरी पड़ने चाहिए, वी नीड टू टेक कंक्रीट स्टेप्स टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स इन द कंट्री, वट आर दीज टू कंक्रीट स्टेप्स विच द ऑथर ऑफ द आर्टिकल इज ट्राइंग टू शो, ये देखिए ओवरकमिंग रिलक्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, यही है देखिए टू स्टेप्स, द मोस्ट एक्टिव इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव ओवरकम द रिलक्टेंस ऑफ द लीडिंग कंपनीज टू मेक एंड सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन टू वेज, दो रस्ते हैं जो इंडिया फॉलो कर सकता है, ठीक है, फर्स्ट इज टू एस्टैब्लिश अ जीरो एमिशन व्हीकल क्रेडिट प्रोग्राम, जीरो एमिशन व्हीकल ZEV क्रेडिट प्रोग्राम, इसमें क्या होगा, दिस रिक्वायर्स, दिस हैज बीन फॉलोड इन कैलिफोर्निया एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है, दिस रिक्वायर्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ व्हीकल्स टू एंश्योर दैट
मैन्युफैक्चरर्स ऑफ व्हीकल्स, डिफरेंट कंपनीज हैं जो व्हीकल मैन्युफैक्चर करती हैं, फोर व्हीलर टू व्हीलर, दैट ईदर अ सर्टन फ्रैक्शन ऑफ देयर सेल्स आर जीरो एमिशन व्हीकल्स, जीरो एमिशन, और दैट दे परचेज जीरो एमिशन व्हीकल क्रेडिट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स हु हैव सोल्ड मोर जीरो एमिशन व्हीकल्स देन रिक्वायर्ड बाय द क्रेडिट प्रोग्राम. बात समझ में आ रही है? इट्स अ काइंड ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम. ठीक है, या तो आप अपने यहां आपको टारगेट दिया जाएगा, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप कंपनी है मारुति, हीरो होंडा, मींस हीरो होंडा अलग, दिस टोयोटा, आप सारी कंपनीज को इंडिया में टारगेट दिया जाएगा जीरो एमिशन व्हीकल क्रेडिट प्रोग्राम. व्हाट डज दिस मीन? दैट आप अपने यहां के व्हीकल्स में एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इट कैन बी 2%, 4%, 6%, 8% should be electric vehicles. Not electric vehicles, zero emission vehicles. Zero emission vehicles are by default electric vehicles. या तो ये कीजिए, या जिन जो electric vehicles के manufacturers हैं उनसे आप credit खरीदिए, zero emission credits. That's it. तो कहा जा रहा है, इससे पता है क्या होगा, सारे manufacturers कुछ तो fraction अपने यहाँ produce करेंगे zero emission vehicles. Do you agree? It will give them, it will put a mandatory pressure upon them. कि हमें जीरो एमिशन व्हीकल्स अपने यहाँ 10%, 5%, 5% बनाना पड़ेगा. क्यों हम दूसरे से क्रेडिट खरीदेंगे, खुद ही बनाएंगे, इसी से मैन्युफैक्चरिंग अप हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आई तो मुझे यस कीजिए चैट बॉक्स में. सेकंड तरीका, ध्यान दीजिएगा, सेकंड तरीका है दैट CO2 एमिशन स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट कर दिया जाए सारे व्हीकल्स के लिए, स्ट्रिंजेंट, इतना स्ट्रिंजेंट कि उतना CO2 एमिशंस, उतने CO2 emissions, अगर हमें CO2 emissions standard stringent किए जाएं upon every vehicle, that is fuel efficiency standards या CO2 emission standards, that वो केवल अचीव हो पाएगा zero emission vehicle बेच कर. ये देखिए, या तो आप company wise credit दीजिए या vehicle wise efficiency का parameter लगा दीजिए. दोनों केस में वो कंपनी को शिफ्ट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम पेट्रोल डीजल व्हीकल्स टू दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इधर गो बाय अ कंपनी वाइज कैपिंग ऑफ द टारगेट ऑफ कार्बन एमिशंस और गो फॉर अ व्हीकल वाइज फ्यूल एफिशिएंसी प्रोग्राम. ये दो स्टेप, एक तीसरा स्टेप तो भारत सरकार फॉलो कर रही है, PLI स्कीम, यस. तो कहा जा रहा है कि दो तीन स्टेप्स, चार पांच स्टेप्स लेने से कुछ प्रमोट करने के लिए, इसे कहते हैं कैरट एंड स्टिक अप्रोच. कैरेट, ध्यान दीजिएगा, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच क्या होता है, इसका मतलब दैट कुछ प्रेशर्स कहीं पे एंड कहीं कहीं पे सब्सिडीज. ये देखिए ये देखिए, उसी का ये एप्लीकेशन है यहाँ पे भी इकोनॉमी में. कहीं कहीं पे परमिशंस, लाइसेंस, प्रेशर्स, प्रेशर, रेगुलेशंस, और कहीं कहीं पे प्रोमोशन. रेगुलेशन का एग्जाम्पल है ये दो स्टेप्स, प्रोमोशन का एग्जाम्पल है सब्सिडीज एंड PLI प्लान. दैट्स इट, गेटिंग द पॉइंट. एक और स्टेप हो सकता है पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल पे टैक्स बढ़ा दिया जाए. यस यस, वेरी गुड पॉइंट, बात समझ में आ रही है. मींस तीन चार एंड सब्सिडीज दिया जाए बैटरी बनाने वाली कंपनीज को भी. यस, तो ये सवाल निकल सकता है स्टूडेंट्स. यहां देखिए एक सवाल मैंने दिया है, बस इतना ही लिखा है यहां पे. बहुत सही आर्टिकल है. ग्लोबल दो स्टेप्स लिए गए थे सिंगापुर में, कैलिफोर्निया में एंड यूरोप में, वही स्टेप्स यहां डिस्कस किए गए हैं. गेटिंग द पॉइंट. तो ये देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाउ कैन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच व्हीकल्स बी प्रोमोटेड इन इंडिया. तो वन स्टेप कैन बी टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिक, टैक्सेस ऑन डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स, ये देखिए. सेकेंड कैन बी स्टूडेंट्स सब्सिडीज एंड PLI अपॉन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये देखिए. देखिए इन सब्सिडीज एंड PLI अप्रोच इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये देखिए. थर्ड पॉइंट कैन बी दिस कार्बन एमिशन क्रेडिट प्रोग्राम बिटवीन द कंपनीज, एमिशन क्रेडिट कैप फॉर द कंपनीज, ये देखिए कैप फॉर कंपनीज, जैसा फॉलो किया गया कैलिफोर्निया में. ठीक है, कंपनीज. फोर्थ पॉइंट, यस फोर्थ पॉइंट, फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स फॉर द व्हीकल्स, स्ट्रिंजेंट फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स. जब गाड़ी का एफिशिएंसी नॉर्म स्ट्रिक्ट किया जाएगा ना, अपने आप कंपनीज बोलेंगे यार इतना एफिशिएंट तो केवल जीरो एमिशन व्हीकल्स हो सकती हैं. फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स फॉर द व्हीकल्स, ये देखिए.
फिफ्थ पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर चार्जिंग, वेरी गुड पॉइंट आप लोग पुट अप कर रहे हैं, फॉर चार्जिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। पांच पॉइंट्स तो हो गए स्टूडेंट्स, दस नंबर के क्वेश्चन में काफी है। एंड अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए लोगों में भी, अंत में वही आएगा, कस्टमर डिमांड बढ़ाने के लिए कस्टमर अवेयर होना चाहिए, यस। तो एडवांटेजेस देखिएगा इंडिविजुअल के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। एडवांटेजेस देखिएगा इकोनॉमी के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं, एंड कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट किया जाए। आई होप द आर्टिकल वॉज ईजी एंड यू गॉट द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल, डू यू एग्री? आई रिपीट, टैक्सेस ऑन डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स, सेकेंड सब्सिडीज एंड PLI ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, थर्ड पुटिंग अ एमिशन क्रेडिट कैप ऑन कंपनीज, कैलिफोर्निया ने जैसे पुटअप किया। फोर्थ पॉइंट, फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स फॉर द व्हीकल्स, मेकिंग इट मोर स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट। फ्यूल एफिशिएंसी यानी कितना कितने एमिशंस हैं, क्या चल रहा है उसमें, स्ट्रिंजेंट व्हीकल्स के लिए। एंड फिफ्थ पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द व्हीकल्स, दैट्स इट। यस, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने पुटअप किया, दैट गवर्नमेंट को पहले खुद अडॉप्ट करना चाहिए, वेरी गुड, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट इट फर्स्ट इटसेल्फ, यस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। एंड इंसेंटिव्स फॉर स्क्रैपिंग ऑफ द ओल्ड व्हीकल्स, वेरी गुड पॉइंट, इंसेंटिव्स फॉर स्क्रैपिंग ऑफ द ओल्ड व्हीकल्स, बहुत अच्छा। देखिए आप लोग तो बिल्कुल पॉलिसी मेकिंग में आ गए, वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। इंसेंटिव फॉर स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, ये देखिए, चलिए बहुत अच्छा। हाँ, और इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले इस्तेमाल होना चाहिए, तभी तो जाके बाकी लोग अडॉप्ट करेंगे इस, गॉट इट? तो चलिए, ये सेकंड आर्टिकल भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, अच्छा लग रहा है आर्टिकल। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, बिहाइंड द ग्रेट इंडियन इंटरनेट शटडाउन, बिहाइंड द ग्रेट इंडियन इंटरनेट शटडाउन। अभी इंटरनेट शटडाउन हुआ, टेल मी स्टूडेंट्स, क्या इंटरनेट शटडाउन पे बार बार डिस्कशन आता है? यस, बहुत अच्छा आर्टिकल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आर्टिकल, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का आर्टिकल, द हिंदू का आज का आर्टिकल। और मैं बस बता दूं, इस पे ये सवाल एक्सपेक्टेड है इस बार, ये देखिए, राइट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन से लेकर अभी हरियाणा में इंटरनेट शटडाउन और उसके असर इकोनॉमी पर, इकोनॉमी पे मैसिव असर है इसके, इकोनॉमी पे, साइकोलॉजी पे, एंड नॉट ओनली दिस, इकोनॉमी, साइकोलॉजी एंड ऑल्सो द गवर्नेंस पे मैसिव असर इसका। आइए देखते हैं, अब आप बोलेगा कि ओके ओके, ये देखिए, हैव अ लुक, ये देखिए सर, इस पे एक क्वेश्चन दीजिए पहले, आइए देखते हैं। इंटरनेट शटडाउन्स नॉट ओनली इंपैक्ट द इकोनॉमी इन अ नेगेटिव फैशन, एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है, बट ऑल्सो लीड टू एरोजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फेलियर ऑफ गवर्नेंस, यस। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट प्रोवाइड सजेशंस एज टू व्हाट सेफगार्ड्स, सेफगार्ड्स, ध्यान दीजिए, सेफगार्ड्स की बात की गई है, शुड बी अंडरटेकन टू मेक इंटरनेट शटडाउन्स एंड एन एक्सेप्शन एंड नॉट अ रूल, ये देखिए यही तो सबसे बड़ा पॉइंट है, इंटरनेट शटडाउन शुड बी एन एक्सेप्शन नॉट अ रूल, 15 मार्क्स टू 50 वर्ड्स, ये कितना बड़ा सवाल है बोलेगा, यही तो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इतने लंबे लंबे दैट लगेगा कि आपको ये तो क्वेश्चन नहीं, आंसर हो गया ये, ठीक है। हैव अ लुक इसके, इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, इंटरनेट शटडाउन नॉट ओनली इम्पैक्ट द इकोनॉमी इन अ नेगेटिव फैशन, दैट मीन्स इंटरनेट शटडाउन का पहला असर, ये देखिए इकोनॉमी पे असर, एग्री कर रहे हैं? सेकंड, क्या इसका असर एरोजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे पड़ता है, एरोजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये देखिए क्वालिटी पे असर, ये देखिए। एंड थर्ड, क्या इसका गवर्नेंस पे असर पड़ता है, यस गवर्नेंस पे, ये देखिए तीन जगह असर पूछा है इस क्वेश्चन में, देखिए यहां पे। एंड उसके अलावा, उसके बाद सेफगार्ड्स पूछा है, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, सेफगार्ड्स, देखिए यूपीएससी ने एक ही सवाल में चार सवाल पूछे हैं, इसीलिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमी पे असर,
इरोजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स उस पर असर, गवर्नेंस पे असर, एंड सेफ गार्ड्स क्या होने चाहिए टू मेक इट अ एक्सेप्शन एंड नॉट अ रूल. हैव अ लुक. 15 मार्क्स 250 वर्ड्स. अब आप बोलेगा सर थोड़ा बताइए इंटरनेट शटडाउन और राइट टू इंटरनेट क्या है. आइए देखते हैं इस आर्टिकल को. बहुत अच्छा आर्टिकल है. इट इज मीन्स अ मैसिव नॉलेज गिविंग आर्टिकल. हैव अ लुक. On January 10, 2020, Supreme Court of India held that access to information via the internet is a fundamental right under the Indian Constitution. Very important for prelims. This was in the case of Anuradha Bhasin versus Union of India case, where the top court also ruled. Supreme Court ne ruled kiya is case mein, case ka naam important hai, that any restriction on internet access by government must be temporary. Ye dekhiye, temporary. टेम्पररी शटडाउन होना चाहिए. लिमिटेड इन स्कोप. लिमिटेड ये देखिए. लॉफुल, नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट. क्या बढ़िया शब्द दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने. ये देखिए. हैव अ लुक. टेम्पररी, लिमिटेड इन स्कोप, लॉफुल, नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट. मैसिव वर्ड्स. आपके आंसर को प्लस 2 नंबर मिल जाएंगे अगर आप ये पुट कीजिएगा. बट सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट है दैट इंटरनेट शटडाउन कैरी आउट किए जाने चाहिए. दे आर नेसेसरी, यस, फॉर सिक्योरिटी, फॉर मीटिंग द सिक्योरिटी, बट दे शुड बी टेम्पररी, लिमिटेड इन स्कोप, लॉफुल, नियम के, कानून के दायरे में, नेसेसरी, जरूरत पड़ने पर, एंड प्रोपोर्शनेट, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं. ये देखिए. द कोर्ट रीटरेटेड दैट द गवर्नमेंट ऑर्डर्स रेस्ट्रिक्टिंग इंटरनेट एक्सेस आर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाई द कोर्ट्स. अगर आपने इंटरनेट एक्सेस से रेस्ट्रिक्ट किया है तो कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है. जुडिशियल रिव्यू. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? टेल मी स्टूडेंट्स. ये देखिए. द एक्सपेक्टेशन वाज दैट दिस डिसीजन वुड लिमिट द इंस्टेंसेस ऑफ इंटरनेट सस्पेंशन. जब ये 2020 में आर्टिकल आया, जब ये वर्डिक्ट आया, तो इंस्टेंसेस इंटरनेट सस्पेंशन के लिमिट हो जाएंगे और तभी लगाए जाएंगे जब पब्लिक इमरजेंसी है या थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी है. But the year following the decision, India saw more instances of internet shutdown than the year preceding it. India's internet restrictions accounted for more than 70% of the total loss to the global economy in 2020. India ki internet restrictions, jo India ki economy ko loss hua, wo world ki internet shutdowns ka 70% hai. Sochiye. And India remains infamous as the internet shutdown capital of the world. यही इंडिया को नाम दे दिया गया इसके बाद से. ये देखिए. तो recent restrictions कहाँ पे हुए? जम्मू कश्मीर का तो था ही न्यूज में 2019 से ही. बट क्या ऐसे restrictions हरियाणा में अभी लगाए गए? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ऑर्डर दिया. ये देखिए, ऑर्डर दिया लेकिन पब्लिश नहीं किया. Order was just given for internet shutdown. The order was not published. ये देखिए. अब आप बोलेंगे जब publish नहीं हुआ तो सर क्या upload हुआ है government website पे? नहीं upload हुआ है. ये तो वही बात हो गई. बोल दिया गया और internet बंद हो गया. Tell me student, should there be a legal format to publish this order? Tell me. बताइए. क्या Tell me students. क्या ऑर्डर अगर पब्लिश होगा तभी ना जुडिशियल रिव्यू हो पाएगा? क्या बात है. ये देखिए. एग्जीक्यूटिव अगर ऑर्डर दे रहा है तो पब्लिश, लिखित होना चाहिए, लीगल, तभी तो जुडिशरी के पास केस जाएगा. दिस इज द रीजन जुडिशरी के पास केस नहीं जा रहा है. इट हैज नॉट बीन पब्लिश्ड. इट हैज जस्ट बीन ऑर्डर लाइक दिस. गवर्नमेंट ने कहा मैं बाद में अपलोड करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने. आई होप यू आर गेटिंग द क्रक्स ऑफ दिस. इट्स द सेम एज दिस आपके जमीन के किसी ने कागज लिए या आपसे किसी ने लोन लिया. ठीक है, आपने दे दिया 50,000 रुपए लोन. आपके जीवन भर का कमाई आपने सेव किया था, 50,000 लोन दे दिया आपने पूरा जीवन भर का. उसने कहा मैं दे दूंगा वापस पैसे. फिर आप 6 महीने बाद गए, उसने कहा मैं दे दूंगा पैसे वापस. लिखित तो लिया नहीं है आपने, आप तो फंस गए वहां पे. देयर मस्ट बी अ रिटन फ्रेमवर्क and it should be uploaded upon the website, then only it can be brought in the judicial purview. Yes, यही वजह है that ये सबसे बड़ा safeguard चाहिए यहाँ पे. One safeguard which is required is there should be a proper legal way of publishing the order. ये देखिए, order should be published anyhow. ये देखिए,
लिंक नहीं करना है, फुल फ्लेजेड सवाल आने वाला है इस पे। मैंने मैंने क्वेश्चन दिखाया अभी आपको। अब आप बोलेंगे ठीक है सर, और सर बताइए इसके बाद। हैव अ लुक द सस्पेंशन ऑर्डर्स फॉर ऑल दीज इंस्टेंसेज हैव स्टिल नॉट बीन अपलोडेड ऑन द गवर्नमेंट्स वेबसाइट। ये देखिए, इवन इन मे 2020 व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ जेएंडके सस्पेंडेड इंटरनेट सर्विसेज ऑन 3 ओकेशंस एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन जून 2021 आफ्टर अ सिग्निफिकेंट डिले। इन शॉर्ट, अनुराधा भसीन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा, उसमें लिखा हुआ था पब्लिश करना जरूरी है ऑर्डर। ये देखिए, अब आप बोलिएगा ओके सर इसका अंदर पब्लिश नहीं हो रहा, चिंता की बात है? यस, चिंता की बात है। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या कहा है। इट एरोड्स ट्रस्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द इंटरनेट सस्पेंशन ऑर्डर्स कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड, दोज हु आर एग्रीव्ड विद द रेस्ट्रिक्शंस कैन नॉट अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ऑर्डर आया ही नहीं है रिटर्न में, बिकॉज देर इज द एब्सेंस ऑफ द पब्लिश्ड ऑर्डर। एट बेस्ट इफ दे डू द कोर्ट में डायरेक्ट, अगर वो जाएंगे कि उन्होंने इंटरनेट बैन किया हुआ है, तो सरकार को बस कोर्ट ये कह सकता है यार ऑर्डर पब्लिश करो तब मैं केस देखूंगा। सरकार 2-4 महीने बाद ऑर्डर पब्लिश करेगी, तब तक इंटरनेट रिस्टोर हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बात समझ में आ रही है? जुडिशियरी कैनॉट लुक इन टू द केस, वो पहले बोलेगा ऑर्डर बताओ, एफिडेविट फाइल करो, तब तक इंटरनेट वापस रिस्टोर हो जाएगा 2-3 मंथ्स के बाद। अल्टीमेटली द नॉन पब्लिकेशन ऑफ द ऑर्डर इज अंडरमाइनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस। यस, यही लिखा हुआ है, इट शुड बी पब्लिश्ड। किस वजह से बैन लगाया गया इंटरनेट पर? एंड लिखा हुआ है देर इज ऑल्सो डेफिसिट बिकॉज द यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑल्सो नॉट डन इनफ। अनुराधा भसीन केस के बारे में मेघालय गवर्नमेंट को पता भी नहीं है लिखा हुआ। ये देखिए यहाँ पे, द स्टेट ऑफ मेघालय इन आरटीआई एप्लीकेशन स्टेटेड दैट इट वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ अनुराधा भसीन जजमेंट। ये वही हो गया सेक्शन 66A, एग्री कर रहे हैं? ये देखिए सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 2015 में, वर्डिक्ट दिया गया था, हट गया सेक्शन 66A आईटी एक्ट से, अभी तक चल रहा है उसमें। यही लिखा हुआ है, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग्स द स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स स्टिल डोंट नो कि अनुराधा भसीन केस क्या था। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को मालूम चल गया, मेघालय के आरटीआई में ये आया दैट द गवर्नमेंट डजंट नो। हैव अ लुक, सो इज दिस प्रॉब्लमेटिक, क्या ये सेफ गार्ड? जैसे ही कोई वर्डिक्ट आता है, शुड दिस बी सर्कुलेटेड टू ऑल द स्टेट्स? टेल मी स्टूडेंट्स, जैसे ही कोई वर्डिक्ट आ रहा है इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट का, क्या ये सारे राज्य सरकार, सारे संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, शुड इट बी सर्कुलेटेड? यस, ये एक बड़ा सेफ गार्ड है। श्रेया सिंघल केस में 4 साल पहले खत्म किया गया सेक्शन 66 से, और आज तक उस पर अरेस्ट चल रहे थे। तो लिखा हुआ है, एक तो पब्लिश करो ऑर्डर, जरूरी है। सेकंड मींस इंटरनेट शटडाउन, गो विद इट, नो वरीज, बट यू शुड पब्लिश द रीजंस व्हाई डिड द इंटरनेट वाज शट डाउन। एंड सेकंड पॉइंट, प्लीज सर्कुलेट ऑल द जुडिशियल वर्डिक्ट्स इन अमंगस्ट ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड द लोकल गवर्नमेंट्स एवरीवेयर। और फिर आप बोलेगा ओके सर और क्या? ये देखिए, इंटरनेट शटडाउन, ध्यान दीजिए, इंटरनेट शटडाउन बहुत बड़ी चीज है। ये पॉलिटी पे इंपैक्ट केवल नहीं करती, पॉलिटी से कहीं ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट इकोनॉमी पे करती है। वही यहां लिखा हुआ है, वाइड रेंजिंग इंपैक्ट। इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डू यू एग्री? यस। एंटरटेनमेंट, डू यू एग्री? हेल्थ केयर, आज कोविड के समय हेल्थ केयर का टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी पोर्टल, सुना है आपने ई संजीवनी पोर्टल? ये देखिए, एजुकेशन, लाइवलीहुड, इंडियन सोसाइटी के मेंबर्स का इंटरेक्शन, अब तो हो गया व्हाट्सएप पे ही, टेलीग्राम पे ही, वाइड रेंजिंग इंपैक्ट, सब पे असर पड़ता है। इसको हल्के से पॉलिटी पे असर पड़ेगा ये नहीं सोचना है, इट हैज अ इकोनॉमिक हार्म, अ साइकोलॉजिकल हार्म, अ सोशल हार्म, अ जर्नलिस्टिक हार्म। डू यू एग्री? इंटरनेट सस्पेंशन ऑट टू बी इम्पोज इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी एंड नॉट टू स्टिफल द डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू प्रोटेस्ट। ये देखिए, इंटरनेट इज अ नेसेसिटी इन द प्रेजेंट टाइम्स, उसके बिना, ध्यान दीजिए लिखा हुआ है, इंटरनेट का एक और बड़ा इस्तेमाल होता है, टू वेरीफाई द र्यूमर्स। डू यू एग्री? जब भी इंटरनेट की बात चलती है, इंटरनेट का क्या इंपॉर्टेंस है, डोंट यू थिंक? जब भी कोई र्यूमर आता है आप वेरीफाई करते हैं उस र्यूमर को, दैट क्या ये डेट आगे बढ़ा है, डेट पीछे आया है, एग्जाम का क्या हुआ, सब आप वेरीफाई करते हैं कि वो सही है या नहीं है।
अब मान लीजिए इंटरनेट ही नहीं तो क्या क्या दिक्कत आएगी वहां पे? बहुत दिक्कत आएगी। ट्रुथ को वेरीफाई करने का एक सोर्स है ट्रुथ, यस, ट्रुथ के लिए आग्रह, सत्य के लिए, सत्य के लिए आग्रह, यस। र्यूमर्स को हटाने के लिए, ट्रुथ को वेरीफाई करने का एक सोर्स है इंटरनेट, और यही लिखा हुआ है दैट अल्टीमेटली इसके बहुत वाइड रेंजिंग इंपैक्ट से शिक्षा, स्वास्थ्य, लाइवलीहुड, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, सोशल इंपैक्ट, जर्नलिस्टिक इंपैक्ट, हर जगह असर पड़ रहा है। और सबसे बड़ा असर है, ये देखिए, सबसे बड़ा असर है राइट टू फ्रीडम पे, ये देखिए। राइट टू फ्रीडम, इसी में होल्ड किया गया था राइट टू इंटरनेट अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये देखिए आर्टिकल 19(1)(a). क्या इसी में राइट टू इंटरनेट आएगा? यस, ये देखिए लिखा हुआ है, इट कैन बी, इंटरनेट कैन बी शट डाउन, कोई दिक्कत नहीं है, यही अनुराधा भसीन केस में लिखा आया था, बट देयर शुड बी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ये देखिए रेस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल, इसी केस में केवल इंटरनेट पे शट डाउन लगना चाहिए। डू यू एग्री? टेल मी। ये देखिए रेस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल, नॉट अनरीजनेबल। अरे आप पुटअप कीजिए रेस्ट्रिक्शन, इतना मत पुटअप कर दीजिए कि इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए वहां पे। आज का सारा कंसेप्ट, और पता है, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है यहां पे गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट से जब जवाब मांगा गया तो गवर्नमेंट टोल्ड दैट हम लोग केवल मोबाइल डेटा ऑफ करवाते हैं। ये देखिए मोबाइल डेटा केवल ऑफ होता है। देखिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा दैट वी ओनली मींस इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस आर ऑफन जस्टिफाइड दैट दे आर लिमिटेड टू मोबाइल डेटा सर्विसेज, ठीक है, कि ब्रॉडबैंड वालों पे असर नहीं पड़ता, ब्रॉडबैंड लीजिए और काम करते रहिए। और जब डेटा आया ट्राई की तरफ से, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, 97% यूज मोबाइल डेटा। डू यू एग्री? ओनली 3% वी यूज ब्रॉडबैंड। तो आप 97% लोग तो बंद हो जा रहे हैं उसमें, इंटरनेट बंदी का मतलब होता है उनके उन पे असर पड़ा है। ब्रॉडबैंड कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? डू यू यूज ब्रॉडबैंड? टेल मी स्टूडेंट्स। सो इट शुड बी, इंटरनेट शटडाउन शुड बी देयर जहां सिक्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी पे दिक्कत है। ये देखिए जहां, देखिए सिक्योरिटी पे दिक्कत है, जहां मोरालिटी मेंटेन करना जो आर्टिकल 19(2) में दिया हुआ है, जहां ऑफेंस इंसाइटमेंट हो रहा है वहां पे इंटरनेट शटडाउन चाहिए, ठीक है। जहां पे फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स की बात है वहां पे इंटरनेट, जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, इट शुड बी रीजनेबली पुट अपॉन इंटरनेट शटडाउन्स, बट नॉट मोर देन दैट। एंड दिस शुड नॉट बी द रीजन दैट ओनली मोबाइल डेटा ऑफ किया गया, ब्रॉडबैंड तो ऑफ नहीं किया गया। ब्रॉडबैंड कितने लोग इस्तेमाल करें? 3%। 3% से देश चले गए, 97% से। टेल मी द चैट बॉक्स, डू यू यूज ब्रॉडबैंड? डू एवरीवन, डज एवरीवन यूज ब्रॉडबैंड? आप मोबाइल डेटा ही यूज करते हैं? हम लोग तो वही यूज करते हैं हर जगह पे, ठीक है, मोबाइल डेटा, उसी से मैप्स चलता है, उसी से गूगल सर्च चलता है हर जगह। ब्रॉडबैंड का मतलब होता है वो आप डिवाइस लेकर, आप ऑप्टिकल फाइबर केबल लेकर अपने घर पे आप 1,000-2,000 रुपए का प्लान लेते हैं ब्रॉडबैंड। गेटिंग द पॉइंट? सो आई सपोज यू गॉट द क्रक्स ऑफ दिस। इंटरनेट शटडाउन इंपैक्ट द इकोनॉमी, यस। इकोनॉमी में कहां? इंडस्ट्री, एग्री कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एग्री कर रहे हैं, एमएसएमई, कस्टमर को भी, सप्लायर को भी, क्या सब कोई आ गया इसी के ऊपर? ई नाम, यस, इलेक्ट्रॉनिक नाम मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, वो भी ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन आ गया। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ई नाम, ये देखिए, ठीक है, और मैं एपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब वेबसाइट पर आ गया है, ये देखिए, सब कुछ तो इसी पर चल रहा है। डू यू एग्री? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, दिस सर्विस सेक्टर पूरा बेस्ड है इसी पे, सर्विस सेक्टर, डू यू एग्री? ये बताइए। एंड इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, इकोनॉमी के अलावा दिस हेल्थ पे भी, हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ दिस, हेल्थ पे असर, यस। ई संजीवनी पुटअप कीजिएगा, टेलीमेडिसिन पोर्टल, उस पर असर पड़ेगा। एंड ई एजुकेशन, डू यू एग्री? ई एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, ये देखिए, एजुकेशन पूरा ऑनलाइन हो गया, अगर इंटरनेट शटडाउन हो गया कहां जाइएगा? टेल मी।
असर नेगेटिव पड़ रहा है इकोनॉमी पे, एक डायरेक्ट असर एक इनडायरेक्ट असर। ये देखिए, डायरेक्टली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज पे, इनडायरेक्टली एजुकेशन एंड वाया मेडिसिन एंड हेल्थ केयर सेक्टर। ऑल्सो इट लीड्स टू एरोशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यस, आर्टिकल 19(1)(a) इंटरनेट शटडाउन शुड बी देयर, बट इट शुड बी रीजनेबली जस्टिफाइड, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इट ऑल्सो एरोड्स द गवर्नेंस। यस, एरोड करता है। जब जब ध्यान दीजिएगा, एरोड कैसे कर रहा है, गवर्नेंस को फेल कैसे कर रहा है, ये दो तरीके से। द ऑर्डर्स आर नॉट पब्लिश्ड। डू यू एग्री, ऑर्डर्स आर नॉट पब्लिश्ड तो जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं पाएगा, गवर्नेंस फेल कर गया वहां पे। ई संजीवनी, आपको पता होगा, स्टूडेंट्स टेली मेडिसिन पोर्टल भारत सरकार ने लॉन्च किया है, वेरी गुड इनिशिएटिव। बट उसके लिए आपको मींस यू कैन जस्ट टॉक विद योर डॉक्टर, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप ऑनलाइन। बहुत अच्छा पोर्टल है, बहुत अच्छा ऐप है, लेकिन उसके लिए इंटरनेट चाहिए। अब ऐसी जगह पे गवर्नेंस, देखिए गवर्नेंस फेलियर कैसे, नो पब्लिशिंग, पब्लिशिंग ही नहीं होगा जब ऑर्डर का, विल जुडिशियल रिव्यू बी अफेक्टेड। यस बिल्कुल। एंड सेकंड पॉइंट, डज दिस एरोड द फेथ इन गवर्नेंस। यस फेथ, बार बार इंटरनेट शटडाउन हो रहा है, बार बार, क्या आपको गुस्सा भी आएगा वहां पर, आप वहां पे हैं, टेल मी, अगर आप कहीं पे हैं एंड आपको बार बार इंटरनेट शटडाउन हो रहा है, एंड यू आर वर्किंग, योर कंपनी इज वर्किंग, टेल मी, विल यू बी मीन्स इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दिस? यस, एरोजन ऑफ पब्लिक फेथ, दैट्स इट। तो बस अंत में यही लिखा हुआ है, सेफ गार्ड्स क्या होना चाहिए। सेफ गार्ड्स में पहला सेफ गार्ड, टेल मी स्टूडेंट्स, डोंट यू थिंक, पहला सेफ गार्ड पब्लिशिंग ऑफ द ऑर्डर्स, पब्लिशिंग, यस, विद द रीजंस। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इंटरनेट शटडाउन शुड बी अ एक्सेप्शन, नॉट अ रूल। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को देखते हुए शटडाउन होने चाहिए। डू यू एग्री? ये देखिए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन शुड बी सीन वाइल शटिंग डाउन द इंटरनेट। एंड थर्ड पॉइंट, ये देखिए, थर्ड पॉइंट, द ऑर्डर शुड बी सर्कुलेटेड अक्रॉस द स्टेट्स, जुडिशियल वर्डिक्ट्स। अनुराधा भसीन केस, मेघालय की गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, देखिए लिखा हुआ यहां पे। वर्डिक्ट शुड बी सर्कुलेटेड, तभी तो एक सामंजस्य बैठेगा, कोऑर्डिनेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तब आएगा ना स्टूडेंट्स, व्हेन अ ऑर्डर ऑफ जुडिशरी इज सर्कुलेटेड इन ऑल द कोर्ट्स, इन ऑल द सेंटर यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। यस, तब जाके ना गवर्नेंस में फेथ बैठेगा। यस, ये करना पड़ेगा काम, पब्लिश करना पड़ेगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखना पड़ेगा, वर्डिक्ट को सर्कुलेट करना पड़ेगा। कोई ऐसे ही उठ के ना लगा दे इंटरनेट शटडाउन कोई स्टेट गवर्नमेंट, और फिर बाद में बोले मैंने तो अनुराधा भसीन केस सुना ही नहीं था, जबकि जुडिशियरी इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। सो देयर शुड बी सेफ गार्ड्स, आपको सजेशन प्रोवाइड करने बोला गया। सजेशन तीन है, यहां डिस्कस किए गए, सिंगल सिंगल लाइन, यू कैन पुट इट देयर। सो इंपैक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन ऑन द इकोनॉमी, इंपैक्ट ऑन FR, इंपैक्ट ऑन गवर्नेंस, एंड उसके बाद सेफ गार्ड्स। विल दिस बी सफिशियंट, टेल मी? इस बार ये सवाल निकलने वाला है, जैसे ही ये सवाल आएगा इस सवाल को शुरू कीजिएगा आर्टिकल 19(1)(a) एंड आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसी में राइट टू प्रिवेसी, उसमें भी इसको माना गया राइट टू इंटरनेट को, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसी का एक इंटीग्रल पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, राइट टू प्रिवेसी, एंड प्रिवेसी के अंदर आता है इंटरनेट। भाई देखिए, जुडिशरी गार्जियन है एंड कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और जुडिशरी की बात को सबको मानना जरूरी है, वैसे ही जैसे पेरेंट्स की बात को सबको मानना जरूरी है घर में। यस, द फर्स्ट पॉइंट आउट है पब्लिशिंग ऑफ द ऑर्डर, पब्लिशिंग, पब्लिशिंग बहुत जरूरी है, देखिए, ताकि अगर गलत है आपका ऑर्डर तो ले जाया जा सके कोर्ट में, दैट्स इट। So try to write down the answer to this question. Very good question. It will be coming in this year means for sure, guaranteed. Be ready for it. अंत में वही लिखना है, we need a fine balance. We need internet shutdowns when there is a problem, but we need a fine balance. There should be a balance between, ध्यान दीजिएगा, public welfare भी चाहिए हमें,
अलॉन्ग विद पब्लिक वेलफेयर देखना है हमें, साथ में हमें बैलेंस करना है विद द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ये यस यस, ये हरियाणा वाले केस से ही तो ये पुटअप किया गया है, ये आर्टिकल आया है हरियाणा वाले केस में ही आया है, ठीक है, अभी रिसेंट। दैट्स इट। तो इसे जरूर लिखिएगा, बहुत ब्यूटीफुल आंसर बनाइएगा, इकोनॉमी पे इंपैक्ट। मैं तो आपकी जगह रहूंगा, मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा, फ्लो चार्ट बनाने का बहाना चाहिए यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को। ये देखिए इंटरनेट शट डाउन, ठीक है, इंटरनेट शट डाउन इम्पैक्ट अपॉन इकोनॉमी, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट, ये देखिए कैसे। पहला सप्लाई चेन इम्पैक्टेड, डू यू एग्री, सप्लाई चेन इम्पैक्टेड, यस। ये देखिए सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर ऑफ द रीजन इम्पैक्टेड, स्पेशली द बैंकिंग एंड द आईटी सर्विसेज, ये देखिए बैंकिंग एंड आईटी सर्विसेज, एग्री कर रहे हैं, ये देखिए। थर्ड पॉइंट एग्रीकल्चर, ई नाम एंड एग्रीकल्चर एप्स, ई किसान ऐप इम्पैक्टेड, एग्री कर रहे हैं, इम्पैक्टेड। फोर्थ पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उनका रॉ मटेरियल्स, बाकी चीजें, मीन्स आप ये पुटअप कर दीजिएगा। फिर एजुकेशन, ये देखिए, उसके अलावा हेल्थ केयर, देखिए लिखिए ऐसे, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, लिखिए पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, अच्छा पुटअप होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज कल में मैं लेने वाला हूँ एक सेशन एनवायरनमेंट के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, जो प्रीलिम्स में आएगा इस पर, ठीक है। आई बी टेकिंग अप टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, आई बी टेकिंग अप अ सेशन ऑफ वन आवर अप ऑन द ऐप, और मैं शेयर करूँगा लिंक टेलीग्राम चैनल पर। ज़रूर से देखिएगा उस सेशन को, क्योंकि वहाँ से सवाल निकलेंगे इस बराबर। करंट अफेयर्स मैंने 2-2.5 साल का पूरा स्टडी करके मैंने वो सेशन बनाया है, ठीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए मिलते हैं कल की तारीख में करंट अफेयर्स में, और आज देखते हैं आज एक MCQ का सेशन शाम को। क्लियर है? चलिए unacademy_anuragsingh इस टेलीग्राम चैनल पर आइए PDF लेने के लिए। एंड यस, वैक्सीन ड्राइव भी इंपैक्ट होगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पुट किया दीपक ने वहां पे, वैक्सीन ड्राइव इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ इंटरनेट शटडाउन, बिल्कुल होगा। पेमेंट्स इंपैक्ट हो जाएगा, ये क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स और वो सब जो भी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, नमस्कार स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल की तारीख में करंट अफेयर्स में मॉर्निंग में, और फिर एडिटोरियल्स में। आई होप दैट आज 3 आर्टिकल्स, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट करने वाला, एंड इंटरनेट शटडाउन, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये 3 जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं कल।